Where is my college? My college name. Which language there used to talk and teach? हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, थोड़ा नहीं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आज आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का वीडियो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखना। मैं आज इस वीडियो में GNM नर्सिंग के बारे में कुछ बताऊँगी, कुछ नहीं, डिटेल्स में सारे बताऊंगी जो कुछ भी मुझे पता है। एंड मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को समझाने की। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, मैं कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैंने एडमिशन कैसे लिया है, मेरा ईयर कौन सा चल रहा है, वहाँ का फ़ीस कितना है। तो मैं ये सब के बारे में पूरा डिटेल्स में आज बताऊंगी आप लोगों को। आपके मन में जितना भी कन्फ्यूजन है मैं आज वो सारा क्लियर कर दूंगी। और मेरा एक वीडियो है वन डे गर्ल्स हॉस्टल लाइफ, तो इसमें मुझे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस आया है, कमेंट्स आया है। आज इस वीडियो में मैं सबका आंसर दूंगी। एंड उस वीडियो छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें आप लोगों ने पूछा है कि मेरा कॉलेज का नाम क्या है वगैरह, सब कुछ है, मैं आज वो इस वीडियो में बताऊंगी। तो शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मुझे पता नहीं, कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना जल्दी बोलती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में वही बोलूंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, आज कोशिश करूँगी आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताने की। सो एट फर्स्ट मैं आप लोगों को मेरे जर्नी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो 2019 में मैंने 12 पास आउट किया है। एंड उसके बाद जो 6 मंथ रहता है उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइम दिया था सोचने के लिए कि मुझे क्या करना है। वो लोग मेरे ऊपर ही छोड़ दिए थे कि तुझे जिसमें इंटरेस्ट है तू वही कर ले, टाइम ले थोड़ा, लेकिन सोच ले। तो जो पहले का जो 6 मंथ था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है सोचने में ही कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने वो जो 6 मंथ था उस 6 मंथ में मैं काफ़ी बार कोलकाता जाके आई, क्योंकि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है वेस्ट बंगाल में। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ से मैंने प्रॉस्पेक्टस लेकर आई, लेकिन फॉर्चुनेटली बोलूँगी कि मैंने उनमें से कुछ भी चूज़ नहीं किया है। उनमें से था इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। तो उनमें से मैंने कुछ भी चूज़ नहीं किया है। मैं डायरेक्ट नर्सिंग में नहीं आ गई थी, उसके पहले बहुत बार जाके आई कोलकाता कि मुझे क्या करना है, लेकिन उनमें से कुछ भी मैंने चूज़ नहीं किया है। लास्ट तक आके 2019 अगस्त में आके मैंने तय किया है कि मुझे नर्सिंग करना है, क्योंकि माय दीदी इज़ अ गवर्नमेंट नर्सिंग स्टाफ, तो वेस्ट बंगाल में रहकर ही नर्सिंग की थी। तो उनको देख के भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि वो कर रही है तो मुझे भी करना है ये। एंड अभी जो टाइम चल रहा है तो इस टाइम में नर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, ब्रदर्स हो या सिस्टर्स हो, तो बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है अभी नर्सिंग की। तो मैंने सोचा कि मैं ये कर लूँ, क्योंकि ये करने के बाद ही, कोर्स ख़त्म होने के बाद ही आप लोगों को गवर्नमेंट ना हो प्राइवेट में जॉब आप लोगों को मिल ही जाएगी। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहकर पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि 1.5-2 साल में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर से पढ़ के आ रहे हो सकता है आप लोगों को 2-3 साल लग जाए। मैं कुछ कॉन्फर्म नहीं हूँ, बस मैं ऐसा सुन रही हूँ तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो नाउ 2019 अगस्त में जाके मैंने तय किया है कि मुझे नर्सिंग करना है। एंड 5 सितंबर मैं वहाँ चली गई, बेंगलोर चली गई। तो वहाँ मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया, अभी चल रही है। एंड नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा और मैं मेरा नेटिव आ जाऊँगी, और यहाँ मुझे किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल मुझे जॉब मिल जाएगा। तो ये था मेरा जर्नी कॉलेज में एडमिशन लेने की, 12 के बाद जो मेरा टाइम गया वो। और नाउ इट्स टाइम टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप लोगों में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हो मुझे, तो मैं वो सबका आंसर आप लोगों को दे देती हूँ। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स जो कि आप लोगों ने मुझे पूछा है। तो अभी मैं एक एक करके सबका आंसर दे रही हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Where is my college? My college is in Bangalore. मैं बेंगलोर से नर्सिंग कर रही हूँ। Second question is,
माई कॉलेज नेम इज मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. इसका शॉर्ट फॉर्म है MTGI. ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है इसलिए क्योंकि इसके अंडर में स्कूल कॉलेज दोनों ही हैं, इसलिए मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. सो द थर्ड क्वेश्चन इज Which language there used to talk and teach? So there used to talk and teach only in English. वहाँ सब लोग English में पढ़ाते हैं और English या Hindi ये दोनों चलता है, Bengali वहाँ नहीं चलता है. तो हो सकते हैं आप लोगों को वहाँ Bengali friends या students मिल जाए, हो सकते हैं नहीं. West Bengal से बहुत मतलब 90% स्टूडेंट्स वहाँ वेस्ट बंगाल से जाता है. आप लोगों को वहाँ फ्रेंड्स में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. और अगर आप लोगों को इंग्लिश समझने में थोड़ा दिक्कत होती है तो अगर उस कॉलेज में कोई हिंदी समझने वाला या बोलने वाला टीचर होंगे तो वो आप लोगों को ज़रूर समझा देंगे. यू डोंट वरी अबाउट दैट. तो हम लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. एंड वैसे भी इंग्लिश थोड़ा समझना चाहिए एंड सीखना चाहिए. वहाँ सब लोग इंग्लिश बोलते हैं एंड इंग्लिश में पढ़ाते हैं. मैंने भी बहुत कुछ सीखा है. आप बोल नहीं सकते हो तो क्या हुआ, आप सब कुछ समझ जाओगे जो भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं. तो वहाँ जाके आप लोगों को 2 to 3 months आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जाता है ताकि आप इंग्लिश में थोड़ा इजी हो जाओ पढ़ने में या सीखने में या बोलने में. सो दे ऑल आर यूज्ड टू टॉक हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज Which course I am doing? I am doing the JNM nursing course and ये मेरा second year चल रहा है. Next year यानी कि 2022 में मेरा course ख़त्म हो जाएगा and I come back to my native and will do the job. So the fifth question is GNM या BSc nursing के लिए आपको I think कि JNM nursing के लिए 45% and BSc nursing के लिए 60%. The sixth question The expenditure of the GNM course in 2021 to 2022, मतलब जो नया सेशन चालू होने वाला है उसका फी एक्सपेंडिचर क्या है वो देख सकते हो आप. सो द एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर द कोर्सेज ऑफ 2021 to 2022 GNM, एडमिशन फी 30,000, फर्स्ट ईयर फी 1,15,000, सेकेंड ईयर फी 1,15,000, थर्ड ईयर फी 1,15,000 एंड द ग्रैंड टोटल इज 3,75,000. पहले कुछ दिनों में मतलब मेरी दीदी जब ये कोर्स कर रही थी तो नर्सिंग जेएनएम नर्सिंग का कोर्स था 3.5 years का और अभी वो जो 0.5 जो है आफ्टर 3 years जो 6 months है वो 6 months 3 years के अंदर ही दे दिया है. मतलब 3 years के अंदर ही आप लोगों को इंटर्नशिप मिल जाएगा. ये टोटल फ़ी है जेएनएम नर्सिंग की 2021 to 2022 एंड बीएससी नर्सिंग के भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. बीएससी नर्सिंग एडमिशन फ़ी 40,000, फर्स्ट ईयर फ़ी 1,30,000, सेकेंड ईयर फ़ी 1,30,000, थर्ड ईयर फी 1,30,000 एंड फोर्थ ईयर फी ऑल्सो 1,30,000. सो ग्रैंड टोटल इज 5,60,000. तो इफ़ यू वांट देन गो फॉर इट. एंड मैं आप लोगों को कुछ पिक्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या होता है हमारे कॉलेज में. तो ये रही मेरी कॉलेज की मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज का जो प्रॉस्पेक्टस है. तो ये है मेरा कॉलेज. मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोलूँगी, आप लोग थोड़ा देख लेना. जो भी आप जानना चाहते हो यहाँ सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है. आप लोग जो चाहते हो प्लीज़ वो थोड़ा देख लेना एंड जान लेना, ठीक है. एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज़ हेयर इज़ अवर कॉलेज. हमारा कॉलेज जो है वो मेन रोड में ही है. And this is the picture of our lamplighting program. And this is the picture of our interior of the college. And ये जो पीक है ये हमारा lamplighting program का पीक है. ये हमारा ही बैच है, हम लोग गए थे lamplighting program के लिए. And this is our classroom. This is the library. And यहाँ मैम को सिखा रही है, प्रैक्टिकल हो रहा है हमारा. ये हमारा बैच नहीं है, सीनियर का कोई बैच है. तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आज का जो वीडियो है मैं थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव बना पाई हूँ, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग मुझसे ये जानना चाहते हो. तो मैंने मेरे तरफ से थोड़ा सा भी कोशिश की है आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताने की. अगर इसके बाद भी आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ 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 कमेंट्स मी बिलो, आई विल आंसर यू श्योरली. प्लीज़ डू गुड कमेंट्स एंड मुझे प्लीज़ मोटिवेट करते जाओ. एंड मैं
बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगी, तो प्लीज़ सजेस्ट करो मुझे कि आप लोग क्या जानना चाहते हो मेरे कॉलेज के बारे में या दूसरा कोई, तो मैं लाऊंगी वो वीडियो। एंड आज का वीडियो जो इस ब्लॉग का जो ये पार्ट है, ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ 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 वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि ये सच्ची में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। आप लोग जानना चाहते थे, मैंने आप लोगों को बोल दिया है, और अगर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हो आपके मन में तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। तो मैं भी जा रही हूँ नीचे, इतना देर से मैं बक रही थी, बोल रही थी आप लोगों को, मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो गया है और मैं अभी नीचे जा रही हूँ, नीचे जा कर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, आज का वीडियो सच्ची में बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आई होप कि आप लोग आज का वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवनिंग, तो अभी टाइम हो रहा है 7:40 और मैं अभी मूढ़ी खा रही हूँ। क्या हो गया, सब लोग खाते हैं। ये देखो कौन आ गया, मेरा पर्सनल फोटोग्राफर, वेलकम होम। थैंक्स। अंदर घुस बेटे। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैंने चाय बनाना क्यों सीख लिया, क्योंकि घर में जो भी आते हैं हम, मुझे हर वक्त चाय बनाने के लिए बोलते हैं ये लोग। क्यों सीख लिया मैंने चाय बनाना। मैं ब्लॉग का एंड करना एकदम ही भूल गई थी, मैं जब एडिटिंग कर रही थी तो तब मैंने देखा कि मैंने तो आज का ब्लॉग का एंडिंग ही नहीं किया है। आज वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसको ज़्यादा फोकस करना आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को। एंड या सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड या सी इन द नेक्स्ट वीडियो।